नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार कई कारणों से अलग होने जा रहा है। कभी कोरोना तो कभी ऐसे प्रत्याशियों की वजह से जो राजनीति और सामाजिक जीवन में काफी कम दिखे हैं। जी हाँ, इस विधानसभा चुनाव में आपको कई बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे। ऐसे चेहरे जिनके बारे में तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन उन्हें काफी कम देखा गया है। आज हम आपको उन सभी प्रत्याशियों के बारे में बताएंगे। पहला बड़ा नाम है लव सिन्हा। जी हाँ, लव सिन्हा जो एक बड़े नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं। वह पहली बार इस विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरे। इस बार बिहार कांग्रेस ने लव सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है और लव पटना के बांकीपुर सीट से अपना पहला चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा 2009 में लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज की थी। अब लव तीन बार से इस सीट पर कब्जा जमाए बीजेपी के धुरंधर नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नवीन को चुनौती देने मैदान में उतरेंगे। दूसरा बड़ा नाम है सुभाषिनी यादव। सुभाषिनी यादव जेडीयू पार्टी के कभी अध्यक्ष रहे दिग्गज नेता शरद यादव की बेटी हैं और पहली बार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरेंगी। सुभाषिनी यादव को भी बिहार कांग्रेस ने ही उम्मीदवार बनाया है। अपनी किस्मत को चमकाने सुभाषिनी मधेपुरा के बिहारीगंज से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें, पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान सुभाषिनी ने अपने पिता शरद यादव के लिए मधेपुरा का दौरा किया था और वहां प्रचार किया था। उस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान भी दिए थे। तीसरा नाम मिथिलेश चौधरी का है। आपको बता दें, मिथिलेश चौधरी मशहूर क्रिकेटर और पूर्व सांसद कृति झा आजाद के साले हैं और इन्हें भी बिहार कांग्रेस ने ही अपना उम्मीदवार बनाया है। मिथिलेश दरभंगा के बेनीपुर से अपनी किस्मत को आजमाएंगे। वह काफी पहले से ही इस सीट पर अपनी मजबूती बनाने का प्रयास कर रहे थे और अब जाकर उन्हें यह मौका मिल गया। वहीं अगला बड़ा नाम नई बनी प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी का आ रहा है। पुष्पम प्रिया लव सिन्हा के खिलाफ पटना के बांकीपुर सीट से ही अपना चुनाव लड़ेंगी। पुष्पम प्रिया चौधरी जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी की बेटी है। आपको बता दें, विनोद चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफी करीबी माना जाता है, लेकिन उनकी बेटी अपनी नई पार्टी का गठन कर सीएम के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी है। अब देखना यह है कि कौन कौन से प्रत्याशी जनता के दिल में अपनी जगह बनाकर उनका सर्वाधिक वोट लेने में कामयाब होंगे और अपने नाम और पार्टी का परचम लहराएंगे। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिल्क टीवी को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी प्रदेश और शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए सिल्क टीवी के साथ।